सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंटों के बारे में। दोस्तों, कुछ टाइम से कोटक महिंद्रा बैंक की जो एप्लीकेशन है उसमें दोस्तों एक इशू देखने को मिल रहा है। उसमें दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे दोस्तों हम उसे ओपन करते हैं तो उसमें दोस्तों जो लिखा हुआ आता है रिक्वेस्ट फेल्ड। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके मोबाइल में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके अकाउंट में या फिर आपके जो एप्लीकेशन में उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये दोस्तों बैंक की तरफ से आ रही है, ऑनलाइन आ रही है और काफ़ी लोगों के पास आ रही है। और ये दोस्तों अपने आप ही ठीक हो जाएगी, इसमें दोस्तों आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस तरह का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो रहा होगा। आपका अकाउंट अगर कोटक महिंद्रा बैंक में है तो इस तरह का कुछ आपके मोबाइल पर शो हो रहा होगा, तो जिसमें दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो आप बैलेंस चेक कर सकते हो, ना ही दोस्तों कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हो और ना ही दोस्तों कोई बिल या रिचार्ज पे कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके पास ही नहीं आ रहा है, काफ़ी लोग जिनके ये इशू देखने को मिल रहा है जिनका कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये आ रहा है तो जी प्रॉब्लम जो है दोस्तों अपने आप फिक्स हो जाएगी, बैंक की तरफ से जा रही है ऑनलाइन और जो अपने आप ही दोस्तों ये फिक्स हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मेरे मोबाइल में भी आ रही थी और दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये मेरे मोबाइल में फिक्स हो चुकी है अपने आप ही। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने बैंक में कोई कस्टमर से बात की, ये अपने आप ही आई थी और अपने आप ही फिक्स हो चुकी है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराएं नहीं, ना ही आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने मोबाइल को बंद कर देना है, उस एप्लीकेशन को उठा देना है यानी उसे क्लोज कर देना है और कुछ टाइम बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगी, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि जिन लोगों का अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और जिन लोगों को जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वो घबराएं नहीं, अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।